इसको काट के खा रहे हैं, पीस के क्रश करके खा रहे हैं, तो 10 मिनट के अंदर आपको इसको कंज्यूम करना है, नहीं तो फिर इसका लेने का सही तरीका क्या है। बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसकी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद हो गया, खून की धमनियों को खोलता है। गार्लिक खाओ लोहे जैसा होगा। थंबनेल देख के आप भी चौंक गए होंगे कि इस तरह की वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ, पर यकीन मानिए इस वीडियो से भी आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है। मैं हूँ डॉक्टर अली और मैं पिछले 27 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपने थंबनेल में भी देखा कि एक ये छोटा सा पीस आपके रुस्तम को लोहे जैसा ताकतवर बना देगा, तो क्या ये सच है? सबसे पहले तो ये समझो कि ऐसे थंबनेल बनते क्यों है, क्यों हम ऐसा करना पड़ता है। ये होता है आप लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, यानी आप हमारी वीडियो पाए और देखें। होता यह कि आप लोगों को एक ये कमजोरी बन चुकी है कि घर बैठे हुए चीजें चाहिए, कुछ करना ना पड़े, बड़े बैठाए हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसी का फायदा उठाया जाता है कि उसको लोहे जैसा कर दो, स्टील जैसा कर दो, आप क्लिक करोगे ही करोगे और आप उस वीडियो को देखोगे, फिर आप उसको खाना शुरू कर देते हो। अब आप देखते हो इतने दिन हो गए मुझे खाते हुए, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा ये भी समझिए। आप लोगों का ऑलरेडी सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि ये छोटी मोटी चीजें तो असर ही नहीं करेंगी, सच्चाई बता रहा हूं मैं। आप ये लॉन्ग गो की चीजें, ये मेंटेनेंस में काम आती हैं, आपके लाइफस्टाइल को अच्छा रखने में काम आती हैं जब दवाइयां खत्म होती हैं, ठीक है। ये ऐसे लोहे का जैसा स्टील जैसा नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है, वो चाहे आपके मोटापे की वजह से हो, आपका लाइफस्टाइल की वजह से हो, आपके नशे की वजह से हो, आपकी चिंता उदासी की वजह से हो, आपकी नींद ना लेने की वजह से हो, आपके जंक फूड की वजह से हो, तो बहुत सारी चीजें, तो उसमें बेचारा इतना सा लहसुन इतनी जल्दी क्या असर डाल दे? तो एकदम से कुछ नहीं होगा, पर इसके जो फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लहसुन कहाँ पे ज्यादा फायदा करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले लहसुन है क्या? एक सब्जी है, एक कंपाउंड है, और जो ये मेन काम करता है लहसुन, इसको अगर आप क्रश करके देखेंगे जो इसमें से गंध आएगी वो है सल्फर की गंध। जो भी इसके फायदे हैं वो सल्फर वाले कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं एलिसिन, उसकी वजह से ही होता है। अब वो क्या क्या फायदे होते हैं? एलिसिन जो है आपकी ब्लड फ्लो बढ़ाता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसकी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद हो गया, खून की धमनियों को खोलता है, तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपकी चिकनाई को कोलेस्ट्रॉल ठीक है उसको कम करता है, जिससे हार्ट अटैक से फिर आपको बचाव होता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन वगैरह कोई भी हो जाए अगर आप लहसुन रेगुलर होते हैं तो उससे रिकवरी फास्ट होती है, ऐसा स्टडीज में देखा गया है। अंदर शरीर के कोई भी फ्री रेडिकल्स है तो ये एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, यानी कि जैसे मान लीजिए बुढ़ापा लाने वाले तत्व अंदर सिस्टम को डैमेज करने वाले तत्व, तो ये उससे लड़ता है, तो उसके अगेंस्ट काम करता है, समझ गए? तो एक तरीके से आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई आपके हैवी मेटल जैसे लेड वगैरह शरीर में है तो ये उसकी टॉक्सिसिटी को, उसके जहर के असर को कम करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, जॉइंट्स को मजबूत बनाता है, उसकी बोन की ग्रोथ के लिए ये हेल्प करता है, शरीर में एक्ने वगैरह को कम करने में काम आता है, जैसे स्किन की और बीमारियां चमड़ी की एलर्जी एक्जिमा उसमें भी ये सल्फर की वजह से काफी इफेक्टिव पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको लेने का सही तरीका क्या है। वैसे तो आप एक दो कलियां कभी भी खा सकते हैं, कोई इससे हार्म नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप इसको काट के खा रहे हैं, पीस के क्रश करके खा रहे हैं, तो 10 मिनट के अंदर आपको इसको कंज्यूम करना है, नहीं तो फिर इसका असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एलिसिन है काटने के 10 मिनट के बाद वो खराब होना शुरू हो जाता है और उसमें उतनी इफेक्टिवनेस नहीं रहती है। अब रही साइड इफेक्ट की बात, तो नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पर कुछ लोगों को लहसुन से मुंह में स्मेल आती है, तो ऐसे लोग बिल्कुल इसको ना लें, फिर या खासकर जब गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं तो बिल्कुल ट्राई ना करें। दूसरा ये है कि कुछ लोगों को एसिड ऊपर आता है, रिफ्लक्स होता है, तो ऐसे केसेस में अगर वो इसको लेते हैं तो वो रिफ्लक्स ज्यादा हो जाता है, किसी के ब्लड थिनर चल रहे हैं ऑलरेडी, हार्ट की बीमारी रह चुकी है, हेपरिन वारफेरिन, तो ऐसी कंडीशन में वो लहसुन ज्यादा लेता है तो ब्लड को और पतला हो जाएगा, तो उससे कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, तो ऐसे लोगों को भी लेना नहीं चाहिए। इसको शॉर्ट टर्म में लेके तो ज्यादा उम्मीदें ना रखें, लंबे गो में आप इसको लेते रहिए, इससे फायदे ही फायदे हैं, ये लोहे जैसा बने ना बने पर फायदे जरूर करेगा। तो ये था लहसुन के बारे में एक छोटा सा वीडियो। जय हिंद।